हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अमरावती में पत्रकार परिषद लेकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में साफ हो जाएगी और 400 पार का नारा गलत साबित होगा, ये कहना है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का। वह आज अमरावती में एक पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। पहले चरण के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो ये 400 पार का नारा बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के आधार पर हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। ऐसे तो 400 पार का नारा का मकसद एक ही है, मकसद यह है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाना और आरएसएस और नरेंद्र मोदी का संविधान लाना। प्रधानमंत्री खुद बोलते नहीं है, खुद हिम्मत नहीं है बोलने की, पर उनके सारे कठपुतलियां जो हैं, सांसद, उम्मीदवार, आर्थिक सलाहकार, ये लोग सब ये मंत्र जपते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का समय हो चुका है और नए संविधान बनाना है, और इसलिए बार बार 400 पार की बात होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय जो हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, इसके खिलाफ हमेशा आरएसएस और बीजेपी रहा। तो ये चुनाव 2024 के चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं बीजेपी और एनडीए पार्टियों के खिलाफ। ये एक विचारधारा का मुकाबला है, ये सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं, सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं, ये विचारधारा का मुकाबला। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सभी को पता है कि इस बार बीजेपी अपना छुपा एजेंडा लाना चाहती है। वह संविधान को हटाकर आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।